हाय, मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कांस्टेंट, सबसे सुंदर और काफ़ी सुंदर कांस्टेंट जो मैथमेटिक्स में पाया जाता है, पाई के बारे में। लेक्चर में हम एक बहुत पुराने मैथमेटिशियन और फिलोसोफर द ग्रेट आर्किमिडीज़ की भी बात करेंगे, जो कि करीब 300 BC यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले और गौतम बुद्धा के मृत्यु के करीब 200 साल बाद जन्मा था। हम सर्कल्स यानी कि गोले जो होते हैं, सर्कल्स की भी बात करेंगे और हम ये भी निकालेंगे कि पाई की वैल्यू जो कि हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है 3.14, वो कहाँ से आती है। तो हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालेंगे और हम टेक्नोलॉजी और मैथ्स को कंबाइन करके पाई का एक एस्टिमेट बिल्कुल उस तरह निकालेंगे जो आज से 2300 साल पहले साइराक्रूज के एक आइलैंड पर ग्रेट आर्किमिडीज ने निकाला होगा। सर्कल जो है वो मैथमेटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फिगर्स है। अगर हम अपने आसपास शेप्स और साइजेस देखें तो हम पाएंगे जैसे चंद्रमा है, सूरज है, ये सब गोल नज़र आते हैं। ज्योमेट्री में वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फिगर्स है ये, मतलब हम बहुत जो ज्योमेट्री में हम जो शेप्स और साइज देखते हैं उनमें सर्कल काफ़ी आम बात है। लेकिन ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री की हिस्ट्री बेसिकली ये है कि जियोमेट्री शब्द का मतलब हुआ जियो जो कि होता है अर्थ और मेट्री मतलब कि मेजर करना। तो जियोमेट्री का मीनिंग है टू मेजर दी अर्थ यानी धरती को नापना, और जियोमेट्री चालू भी धरती को नापने से ही हुई थी। जो अर्ली जियोमीटर्स थे जो धरती को नापने वाले थे उनका काम यही था कि वो अलग अलग तरीके के लंबाइयों और मैदानों के एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। इजिप्ट में एक बहुत हिस्टोरिक, बहुत पुरानी नदी और बहुत लंबी नदी है नाइल, जहाँ जिसके कि किनारों पर बहुत बड़े पिरामिड भी हैं। वहाँ पर एंशियंट और बहुत हिस्टोरिक सिविलाइजेशन रहा करती थी, और जिस तरह भारत में गंगा है उसी तरह इजिप्ट में नाइल के किनारे पर बहुत फर्टाइल लैंड था, बहुत उपजाऊ लैंड था और वहाँ पर बहुत खेती होती थी और बहुत अच्छी और फल फूलने वाली सिविलाइजेशन रहा करती थी। हर साल जून से सितंबर के महीने के बीच में नाइल में बाढ़ आती थी और उस मौसम को इजिप्शियंस आखेत का सीज़न कहते थे। उस बाढ़ की वजह से क्या होता था कि उस नदी के किनारे पर जो भी किसान रहते थे, जो भी फार्मर्स रहते थे, उन सब के लैंड ध्वस्त हो जाते थे, चौपट हो जाते थे, और साल ख़त्म होने के बाद उन्हें वापस अपनी ज़मीन कैप्चर करने के लिए आना होता था। लेकिन क्योंकि नदी में उनके खेत बह गए थे तो मार्क मिट जाता था, तो फिर इस बात पर लड़ाई होती थी कि भाई मेरा खेत इतना बड़ा था या नहीं था, लोग आपस में लड़ते थे। तो वहाँ जो राजा हुआ करते थे उन्हें फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी कि किसको कितना खेत दें और किसका पहले कितना था, भाई नापो। तो इस तरह ज्योमेट्री चालू हुई इस प्रैक्टिकल साइंस से कि एक किसी का खेत है तो उसमें उसका कितना एरिया है, उसको कैसे नापें, ज़मीन को कैसे हम नापेंगे, सर्वे करना ज़मीन का, मेजरमेंट करना, एरिया निकालना, इन सब की साइंस से ज्योमेट्री का जन्म हुआ। एरिया क्या है? एरिया बेसिकली जैसे कि लंबाई दो बिंदुओं, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बताता है, इसी तरह एरिया ये नापता है कि एक किसी भी शेप, कोई भी ऐसी शेप हो जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो उसमें कितनी जगह है, मतलब उसमें अगर तुम्हारा खेत है तो उसमें तुम कितना अनाज उगा सकते हो, ये एरिया है। अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है और मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, इसका मतलब है कि आप उसमें 2 गुना अनाज उगा सकते हो। तो हम एरिया कैसे नापेंगे? तो इसके लिए हम लंबाई कैसे नापते हैं? लंबाई नापने के लिए हम पहले ये डिफ़ाइन करते हैं कि 1 मीटर लंबाई हम इतने को कहेंगे, जितना मेरे इस हाथ से इस हाथ तक। आप 1 मीटर डिफ़ाइन कर लेते हो, उसके बाद आप एक एक मीटर रखते जाते हो, और अगर 5 हाथ के बराबर आता है तो आप कहते हो साहब लंबाई 5 मीटर है। इसी तरह एरिया में आप कहते हो कि 1 मीटर बटे 1 मीटर का स्क्वायर अगर होगा 90 डिग्री के एंगल पर तो उसका एरिया मैं 1 ले लेता हूँ, तो उससे रेक्टेंगल का एरिया फिर निकल जाता है बहुत इजीली, क्योंकि एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ बी है और हाइट एच है तो उसमें बी रोज़ होंगी एच हाइट की, उसमें बी टाइम्स एच स्क्वायर होंगे,
अगर ये 3 बाय 4 का रेक्टेंगल है तो इसमें 4 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर होंगे, तो इसका एरिया 12 है। और ट्राइंगल का एरिया अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दो तो ये दो इक्वल ट्राइंगल्स में बढ़ जाएगा, तो एक ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट का आधा हो गया, क्योंकि बेस इंटू हाइट का आधा है ट्राइंगल का एरिया, ये दो ट्राइंगल का एरिया बराबर है। तो ये एरिया निकालना बहुत सिंपल है, पर क्या आपने कभी ये कोशिश करी है कि एक सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ये कठिन प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करो कि लेक्चर को पॉज करो और कंप्यूट करने की कोशिश करो बेसिक से। सिर्फ आपको इतना पता है कि आपको गिनती आती है, आपको बेसिक ज्योमेट्री आती है और आपको स्क्वायर का एरिया पता है। बाकी कोई भी गणित आप लगाओगे वो आपको डिराइव करनी पड़ेगी। करके देखो, इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। इनफैक्ट सर्कल का एरिया निकालना और सर्कमफ्रेंस निकालना, यानी उसके कितनी लंबाई है उसके सिरे पर अगर हम चलते रहें, तो वो निकालना काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम है। और अर्ली ह्यूमंस, आज से 2300 साल पहले आर्क्यूमिडीज और कई मैथमेटिशियंस ने ये कर लिया था। ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल बात है। अगर हम सर्कल के एरिया को निकालने की बात करें तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उसे प्रूव करने में टाइम लगेगा, कि सर्कल का जो एरिया होता है वो आर, उसका रेडियस जो है आर, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि ये भी हमें प्रूव करना चाहिए और आर्किमिडीज ने किया था, लेकिन हम इस लेक्चर में ये मान लेंगे कि सर्कल का एरिया एक कांस्टेंट टाइम्स आर स्क्वायर होगा। यानी अगर किसी सर्कल का एरिया दुगना है किसी पिछले सर्कल के, तो उसका एरिया 4 गुना बढ़ जाता है। रेडियस को अगर आप दुगना करते हो तो एरिया 4 गुना बढ़ जाता है, स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये हम ये मान लेंगे कि जो एरिया है वो सी टाइम्स आर स्क्वायर है, और ये कांस्टेंट सी जो है वो हमें निकालना है आज। ऑब्वियसली इस कांस्टेंट को आज हम लोग पाई के नाम से जानते हैं, लेकिन इस कांस्टेंट को आज हम निकालेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि सर्कल्स के बारे में यूक्लिड, जो कि ज्योमेट्री का फादर है, जिसने कि बहुत बड़ी और बहुत ज्योमेट्री की फाउंडेशन रखी थी 300 BC में अपनी एक बुक एलिमेंट्स में, उसके टाइम तक क्या क्या पता था। एक सर्कल में जैसे कि रेडियस होता है और डायमीटर बेसिकली दुगना होता है रेडियस का, एक पॉइंट से सर्कल सेंटर को पास करते हुए दूसरे पॉइंट की लाइन, और सर्कमफ्रेंस होता है उसका जो उसकी जो साइड है उनका लेंथ, उसके आउटर साइड के टोटल लेंथ। तो इतना पता था एंशियंट लोगों को कि जब वो सर्कल बनाते थे और उसका सर्कमफ्रेंस निकालने की कोशिश करते थे तो वो एक रस्सी लेते थे, गोला बना देते थे। तो वो ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कि सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस है और जो रेडियस है उसका रेशियो जब वो निकालते हैं तो वो हर सर्कल के लिए, चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा, हमेशा सेम आता है और लगभग 3 के आसपास आता है, 3 गुना। ऐसा क्यों होता है उसको उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें ये भी पता था कि उसका जो एरिया होता है यानी उसमें कितना सामान हम रख सकते हैं, उसका रेशियो रेडियस से के स्क्वायर से कांस्टेंट होता है, और ये दोनों कांस्टेंट C1 और C2 लगभग बराबर होते हैं। लेकिन क्या वो बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं या आसपास हैं, इस सब का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। आज ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं कि C1 और C2 दोनों कांस्टेंट हैं और पाई के बराबर हैं, और ये आर्किमिडीज़ की जीनियस थी कि उसने अपने टाइम में ना कि सिर्फ ये प्रूव किया कि C1 और C2 बराबर हैं, उसने हमें ये भी बताया कि वो कांस्टेंट लगभग कितने के बराबर है। उसने काफ़ी प्रिसाइज 3 डेसिमल डिजिट तक हमें उसका अप्रोक्सीमेशन दिया था। तो आइए आज हम इस महान आदमी आर्किमिडीज की बात करते हैं। आर्किमिडीज ग्रीस में एक एक्सक्यूज मी एक जगह है साइराक्यूज, वहाँ पर रहता था, और वो जो है आइलैंड ऑफ सिसली में है। सिसली एक जगह है वहाँ के, एक आइलैंड में है, और जब तक उसने अपने टाइम में काफ़ी रिमार्केबल चीज़ें करी थी। काफ़ी ज़्यादा काम उसने फ्लोटिंग बॉडीज़ पर किया था, यानी कि जब हम पानी में तैरने वाली चीज़ों की बात करते हैं, नाव कैसे तैरती है, उन सब के बारे में उसने काफ़ी रिसर्च कर ली थी अपने टाइम में। हर किसी चीज़ पर कितना प्रेशर पानी की तरफ से ऊपर लगता है, बॉयंसी वगैरह, ये सब आर्किमिडीज़ ने 2300 साल पहले आज से सब
स्टडी करके और फिलॉसफी करके लिख लिया था। जब मैं छोटा था तब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी अपनी हिंदी की बुक में कि जो आर्कमिडीज के टाइम में वहाँ का राजा था हिरोन, वो बहुत सस्पिशियस था कि उनका जो सुनार है वो उनके सोने में मिलावट करता है, लेकिन ऑब्वियसली दिख सोने जैसा रहा है। तो ये आप कैसे साबित करोगे कि वो प्योर सोना है या नहीं है? तो ऐसा कहा जाता है कि उसने ये प्रॉब्लम आर्कमिडीज को दी और आर्कमिडीज कई दिन तक इस पर सोचते रहे और कोई सोल्यूशन नहीं निकला। एक बार जब वो नहाने जा रहे थे तो जब वो अपने बाथ टब में घुसे तो बाथ टब में जाने से बाथ टब का पानी बाहर आकर छलका, तो उससे उन्हें ये आइडिया आया कि किसी भी चीज़ को पानी में डुबाने से वो चीज़ ऊपर आती है, और वहाँ से पानी और उसमें किसी चीज़ को डुबाने से कैसे हम निकाल सकते हैं कि वो प्योर गोल्ड है या नहीं है, ये उसको चमक गया। और वो सड़कों पर बिना कपड़े पहने यूरेका यूरेका, विच मीन्स कि मुझे मिल गया मुझे मिल गया, चिल्लाता हुआ दौड़ा। अनफॉर्चुनेटली आर्किमिडीज की डेथ एक जंग में हुई जिसमें रोमन्स ने सायराक्यूज पर अटैक कर दिया था और कई साल तक सीज में रहा था सायराक्यूज, जिसका कि मतलब उसको बाहर से खाना वाना आने की परमिशन नहीं थी और लोग अंदर ही अंदर भूखे मर रहे थे। जो रोमन आर्मी का कमांडर था मार्सेलस, उसने ही आदेश दिए थे कि आर्किमिडीज बहुत महान आदमी है, उसको नहीं मारा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक रोमन सोल्जर आर्किमिडीज के पास पहुंचा तो उस समय भी आर्किमिडीज एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहे थे, और सोल्जर के कहने के बावजूद कि चलो बाहर, वो नहीं गया तो सोल्जर ने अपनी तलवार से उन्हें मार दिया। तो आज हम ये देखते हैं कि आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू कैसे निकाली, कि आप और मैं पाई की वैल्यू अगर निकालना चाहें, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि बेटे 22/7 होगा, लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि वो 22/7 क्यों है। हमें कैसे पता कि पाई की वैल्यू 22/7 के आसपास है, 3.14 है, कैसे पता हमें? इवन 22/7 22/7 अप्रॉक्सीमेशन है, वो ट्रू वैल्यू नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई सर्कल का जो एरिया है वो पाई टाइम्स आर स्क्वायर है, तो अगर मैं सर्कल का रेडियस 1 ले लूँ तो जो भी सर्कल का एरिया होगा वो पाई होगा। तो अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल लूँ तो मुझे पाई मिल जाएगा। तो सर्कल का एरिया निकाल लूँगा नहीं, मैं ये करूँगा कि ये बता दूंगा कि सर्कल का एरिया कम से कम इससे बड़ा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से छोटा होगा और 2.5 से बड़ा होगा, इस तरह मैं निकालूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो सर्कल का एरिया है वो 4 से छोटा है, कैसे? बहुत ईजी है, देखना रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 है, तो अगर मैं इस सर्कल को एक स्क्वायर में बंद कर दूं 2/2 के, तो बाहर एक स्क्वायर आ जाएगा 2/2 का और उसके अंदर सर्कल है, स्क्वायर का एरिया 4 है, तो ऑब्वियसली जो सर्कल है अंदर का उसका एरिया 4 से कम ही होगा उसका एरिया, तो देयर फोर वी नो, और आज आप हमेशा के लिए सीख गए कि पाई 4 से छोटा ही होगा। सिमिलरली अगर आप सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना लो, तो भाई स्क्वायर जो है उसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 2 है क्योंकि ये डायमीटर है, तो इसकी जो साइड होंगी वो पाइथागोरस थ्योरम से √2 होंगी। तो जो अगर इसकी साइड √2 हैं तो सर्कल का तो अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया 2 होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया इस स्क्वायर से तो बड़ा ही है, तो वो 2 से बड़ा हो गया। तो हमें ऑब्वियसली ये पता चल गया कि पाई 2 से 4 के बीच है। ये इस तरह अगर आप एस्टिमेट आपने निकाल लिया 2 से 4 के बीच, अब आप क्या करोगे कि अभी आपने 4 साइड का पॉलीगन बनाया था, फिर आप 5 साइड का बनाओगे, फिर 6 साइड का बनाओगे, 1000 साइड का बनाओगे। जब बहुत सारी साइड का बना लोगे तो ये जो खाली खाली एरियाज हैं वो कम होते जाएंगे और जो पॉलीगन बनेगा वो एकदम सर्कल को बाहर से कस के जकड़ लेगा, और अंदर वाला पॉलीगन 1000 साइड का अंदर वाले सर्कल को कस के जकड़ लेगा, तो आपको बहुत टाइट बाउंड मिल जाएगा। बाहर वाला एरिया लगभग होगा 3.15 और अंदर वाला होगा लगभग 3.13, और आपको पाई का एस्टिमेट मिल जाएगा। जैसा कि हमें 2 से 4 के बीच कह रहा, अगर हम यही काम 6 साइड हेक्सागन के साथ करें, 6 साइड के पॉलीगन के साथ, और आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो घर पे, तो आप पाओगे
कि पाई जो है वो 2.5659 से लेकर 3.46 के बीच में आएगा। उसका एरिया आप हाथ से निकाल सकते हो सिंपल टिग्नोमेट्री से। यही आर्किमिडीज के प्रू एस्टिमेट का आइडिया था जो आज से उसने 2300 साल पहले किया। और उसकी जीनियस ये थी कि ना ही उसने केवल 6 साइड के लिए नहीं, उसने 12 साइड, 24 साइड, 48 साइड, इवन 96 साइड का एरिया कंप्यूट किया। उस टाइम में जब इवन नंबर सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता था, फ्रैक्शंस यानी कि 1/7 कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सब नंबर सिस्टम भी सही से तब डेवलप नहीं हुआ था। आप और हम आज स्कूल में इतनी गणित पढ़ाई जाती है, अंडरस्टूड ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि अरे फ्रैक्शंस तो आता ही होगा, लेकिन ये सोचो कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने फ्रैक्शंस बनाए होंगे। मैथ में जो भी आज हम और आप स्कूल में पढ़ते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी ने डेराइव किया होगा। किसी आदमी ने कॉपी पेन पर पहली बार लिखा होगा कि पाई 3.14 से लेकर 3.141 के बीच में आता है। खैर, आज हम 21st सेंचुरी में, हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर हैं, तो आज हम देखेंगे कि पाई 21st सेंचुरी में हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप इसके अंदर 6 साइड, 8 साइड का पॉलीगन अंदर बना सकते हो, और 6 साइड, 8 साइड वगैरह, 10 साइड का पॉलीगन, एन साइड का बाहर बना सकते हो। तो आप चाहो तो घर पे ये प्रूव कर सकते हो, और अगर नहीं आए तो मुझे ईमेल कर सकते हो कि एन साइड का जो बाहर पॉलिनोमियल होता है उसका एरिया होता है एन टाइम्स 10 of 180 अपॉन एन। और आप इसमें एन 3 रख के देख सकते हो या 4 रख के देख सकते हो कि क्या ये सही में सही है या नहीं स्क्वायर के लिए। इसी तरह जो अंदर वाला एरिया होता है वो होता है 0.5 × sin of 180 अपॉन एन। ये भी आप बहुत इजीली कंप्यूट, sin 360 अपॉन एन बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हो। तो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखेंगे। बाय द वे, अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक और कोर्स चल रहा है, तो आप वहाँ पर पाइथन भी सीख सकते हैं। पाइथन में एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम 1000 साइड का एरिया कैलकुलेट करें, जो कि आर्किमिडीज़ के टाइम में उसे 1 साल लगता या उससे भी ज़्यादा, हाथ से करता वो, और आज मैं 1 सेकेंड में कर दूंगा मेरे कंप्यूटर की बदौलत। सोचो आर्किमिडीज़ को अगर इतनी पावरफुल मशीन की एक्सेस होती तो वो क्या नहीं कर लेगा। तो आज हम पाई कैलकुलेट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई एक ऐसा फंक्शन बताओ जो कि हमें इनर एरिया दे। इसी तरह हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमें बाहर वाले का एरिया देगा, अपर एरिया, आउटर एरिया, ठीक है। तो हम इनर एरिया निकालते हैं, तो हमें इनर एरिया के फंक्शन में नंबर ऑफ साइड इनपुट लेना होगा, उसे एन मान लो, एन साइड का अगर है तो आप रिटर्न कर दो 0.5 × n × इन साइन ऑफ 360 अपॉन एन। अच्छा, एक ट्रिक बस ये है कि एंगल अगर मैं लेता हूँ 360 अपॉन एन, तो मुझे इस एंगल को पाइथन में, मैथ में, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, रेडियन एंगल बराबर रेडियंस ऑफ एंगल, और यहाँ पर आप रेडियन एंगल कर दो, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको अपर एरिया निकालना है, आउटर एरिया, तो वो होगा 180 अपॉन एन, और रेडियन एंगल निकाल लो, और फिर एन इंटू 10 ऑफ रेडियन एंगल कर दो। और ये साइन वगैरह आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो वो मैथ लाइब्रेरी में से इंपोर्ट कर लो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट साइन 10, और ये जो फंक्शन है रेडियंस, ये हो गया। और फिर आप यहाँ पर लिख दो कि फॉर नंबर ऑफ साइड्स इन, हम मान लो 3 से चालू करते हैं, तो रेंज ऑफ 3 से 1001 तक, तो ये 3, 4, 5 से लेकर 1000 तक नंबर ऑफ साइड पे इटरेट करेगा। और आप अपर निकाल लो, अपर
अपर होगा आउटर एरिया, क्योंकि एरिया उससे तो छोटा ही होगा, नम साइड्स। इसी तरह लोअर निकाल लो, वो होगा लोअर अंडरस्कोर एरिया नंबर ऑफ साइड्स, और फिर आप प्रिंट कर दो कि फॉर एन इक्वल्स परसेंट डी पाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर परसेंट एफ डाल दो। परसेंट एफ मतलब कि फ्लोट प्रिंट कर रहा हूँ मैं, मतलब डेसिमल नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, हो गया। और यहाँ पर प्रिंट कर दो कि मुझे नम साइड्स देना है और अप लोअर देना है और अपर देना है, हो गया। और इस कोड को अगर आप रन कराओगे पाई डॉट पी वाई तो कुछ लोअर अंडर स्कोर एरिया इज नॉट डिफाइंड। हाँ, तो ये जो है इनर अंडर स्कोर एरिया है। तो आप जब ये कोड चलाओगे तो आउटपुट आप देख रहे हो कि आउटपुट साफ साफ बता रहा है कि जब एन 1000 है तब पाई 3.14 से लेकर 3.14603 के बीच में है, 3.141 से लेकर 3.16 के बीच में। और पाइथागोरस ने क्या किया था सोचो, उसने 97 तक यानी 96 तक हाथ से निकाला था। अगर मैं वो निकालूं तो पाइथागोरस ने अपने टाइम में अप्रोक्सीमेशन काफ़ी क्लोज दी थी 3.139 से 3.142 के बीच में। आज हम सभी गणित में 3.142 वैल्यू यूज़ करते हैं, बट हम जो है काफ़ी आगे तक जा सकते हैं और हम काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंसान मिलियंस ऑफ डिजिट पाई की, जो कि एक इरेशनल नंबर है, कभी ख़त्म नहीं होता, कंप्यूट कर चुका है। तो आज यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये बहुत ही रिमार्केबल फैक्ट है जो हमने आज डिस्कवर किया है। आप जीवन भर ये याद रख सकते हो कि मैंने एक दिन कंप्यूट किया था कि पाई की वैल्यू 3.1415 से लेकर 3.1416 के बीच में है। मैंने कहीं नहीं रटा, मुझे पता है कि पाई अगर 3.14 है तो क्यों है। आज जो हमने किया है वो आज से एक सेंचुरी पहले भी सोचना पॉसिबल नहीं होता। आज ये सिर्फ पॉसिबल इसलिए है कि मेरे हाथ में इतनी पावरफुल मशीन है जो कि इतने सारे कंप्यूटेशन आप तुरंत ही तुरंत कर देती है। आज आपने 2300 साल पुराने मैथमेटिशियन आर्किमिडीज से रिश्ता जोड़ लिया और आपने देखा कि उसने कैसे पाई कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली वैसे ही आपने आज किया। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। वेट फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू, कीप सीइंग, बाय।